अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भारतवासियों, वेलकम बैक टू उस्मान गोट्स फार्म। दोस्तों, आज हम आपको माशाल्लाह हमारे ख़ास भाई, हमारे अज़ीज़ दोस्त जो अल्तमाज भाई है, जो के मेंढों में माशाल्लाह उनका काफ़ी अच्छा शौक है, चाहे बकरे रहो मेंढे रहो, उनका काफ़ी उम्दा शौक है मेंढों में। अज़ा गोट फार्म पे उनके बकरे पलाई पे है और मेंढे भी है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में उनके मेंढे आपको दिखा रहे हैं भाई के, और अल्तमाज भाई के जो शीप है विलायती मेंढे है, इंशाल्लाह उनकी डिटेल जानेंगे, सेल के लिए है या कुर्बानी के लिए, इंशाल्लाह उनका शौक हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, अभी अपन कौन से जानवर दिखा रहे हैं और क्या है? एक मरीनो विलायती क्रॉस में जी अल्तमाज भाई का है, बहुत ही उम्दा शौक करते हैं ये माशाल्लाह मेंढों में। कम से कम 5 महीने से बकरे हैं इनके, 5 महीने से है ये आदमी को इतना भरोसा है अपने पे, 5 महीने में मुश्किल से 4 बार आया होगा। पलाई का मकसद ही वही है भाई, पलाई पे जो जानवर रखते हैं जगह की बने हैं अपने पास जी, वो आप दिखाओ। अभी दिखाऊंगा मैं, ये मेंढा तो मेरे पास से ही आया है, एक मेंढा माशाल्लाह, ये मेंढा मैंने ही दिलाया था, ये मेंढा आया था भाई 30-32 kg था मेंढा जब आया था, आपने मेरे यूट्यूब पे देखे होंगे इसका वीडियो। और आज ये मेंढा माशाल्लाह 55-60 किलो के ऊपर ही है। मेंढे की आप क्वालिटी देखिए, ये मेंढा अभी भी माशाल्लाह अदंत में ही है, अभी दांत तोड़ दिया है, दो दांत आ भी गए भाई माशाल्लाह, दो दांत लगा रहा है ये बच्चा। जब मैंने दिया था माशाल्लाह काफ़ी छोटा बच्चा था और काफ़ी इस पर था बकरा, अभी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना है ये मेंढा। और ये आसिफ भाई, ये अल्तमाज भाई को सेल करना है या कुर्बानी के लिए है? भाई कोई अच्छा रेट देता होगा ना, हाँ तो सेल हो गए, अगर नहीं होता है तो फिर अल्तमाज भाई के शौक अलग है जी। माशाल्लाह दोस्तों, ये मेंढे की बात अलग है, ये माशाल्लाह शोलापुर में फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐसे मेंढे बन रहे हैं। अभी मैंने ये बकरे विलायती लिया हूँ माशाल्लाह, पालता नहीं था पलाई पे, कोई रखता कोई रखता था नहीं था पलाई पे। अल्तमाज भाई ने मेरे को भी बोले थे पलाई पे रखो बोल के, लेकिन अपना काम जैसा कि ट्रेडिंग है, अपन भी मेंढे लाते हैं बेचते हैं, तो अपने को भी उसमें ये नहीं है, तो वही हिसाब से मैंने सजेशन दिया था कि आसिफ भाई के पास रखो। तो आज माशाल्लाह मेंढों की बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। ये मेंढा क्या डिटेल पे है, अगर इसका रेट कैसा बताएंगे या आप अल्तमाज भाई का नंबर देंगे उसमें? रेट अपन अल्तमाज भाई का नंबर दे देंगे, ठीक है, अल्तमाज भाई का नंबर देंगे, ठीक है, बाकी क्वालिटी में वगैरह एक नंबर चीज़। दोस्तों इसकी डिटेल बताते चलो, दो दांत पे है, 55-60 kg आप पकड़ के चलो, और ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी का पैसा रहेगा, जो भी अल्तमाज भाई बताएंगे उसका क्वालिटी का पैसा रहेगा, ठीक है। विलायती मरीनों में है, बकरे की आप खूबसूरती देखेंगे माशाल्लाह, और अभी से ही इसके सिंग आप देखे, इसको अभी पगड़ी भी आ गई है, सिंग तो इसके माशाल्लाह बहुत बड़े सिंग है। अभी तो बच्चा अगर कोई इसको आगे मतलब पलटी के लिए लेता है तो और भी बनेगा, मेरे हिसाब से 100 किलो जाएगा ये, 100 किलो तो भाई 4 दांत तक लगा देगा भाई। ये क्वालिटी है, जैसी क्वालिटी रहेगी, जैसी ब्रीड रहेगी वैसे जानवर बनेंगे, ठीक है, 100 किलो जाना, ठीक है। दो दांत पे अगर किसी को चाहिए तो आप अल्तमाज भाई से कॉन्टेक्ट करें, अभी इनका आपको दूसरा जानवर दिखाते हैं। दोस्तों आपको अभी दूसरा जानवर दिखा रहे माशाल्लाह गब्बर, ये बकरे की आप क्वालिटी देखे भाई, ये क्या डिटेल पे है भाई? ये 6 दांत पे था जी, अभी 8 दांत है, लगाया है माशाल्लाह भाई, बकरा तो देखने के साथ ही माशाल्लाह भाई। ये क्या केजी पे है भाई? ये 100+ है फिलहाल, 100 kg+ है ये माशाल्लाह, 105 के ऊपर है, अपन 100 kg बोल, 100 किलो का मेंढा है दोस्तों माशाल्लाह, ये आप इसकी क्वालिटी देखिए, ये विलायती में ही आएगा, कजला लुक में माशाल्लाह, और बहुत हेवी जानवर है, ठीक है, पैर पुर्जेगा भी बहुत बहुत शानदार है ये 100 kg का मेंढा है। अगर कोई ये मुंबई से या अपना बेंगलोर से ये वीडियो देख रहे रहेंगे तो ये आप जानवर परचेस करिए, इंशाल्लाह ये काफ़ी अच्छे रेट में देंगे अल्तमाज भाई, जैसा कि मेरी बात हुई थी। तो इंशाल्लाह अगर कोई रहेगा लेने वाला ख्वाहिशमंद, जिनको ये जानवर पसंद है, तो वो अल्तमाज भाई से कॉन्टैक्ट करें इंशाल्लाह, ठीक है। दोनों भी हेवी जानवर है और दोनों भी क्वालिटी वाले हैं, ठीक है। ये जानवर की डिटेल आपको और एक बार बता दे चलूँ, तो ये 6-8 दांत जानवर है, 8वां दांत फ्रेश है और 100 kg+ है, 100 kg+ है, 100 kg+ है माशाल्लाह, बहुत नायाब जानवर है, दिखाओ आपको
सिंग सिंगर तो इसके बहुत बड़े भाई माशाल्लाह। नको नको दांत तो अभी पता चलेगा पब्लिक को। सीना में ना बहुत बड़ा है बकरे का बाल, बहुत हीवी जानवर है, बहुत हीवी जानवर। ठीक है, तो ये जिसको भी चाहिए आप अल्तमाज भाई से कांटेक्ट करें, और अगर किसी को पलाई पे जानवर रखना है तो आसिफ भाई के यहाँ पे आप पलाई पे जानवर रख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ये जानवर काफ़ी अच्छे रेट में मिलेंगे। अगर कोई बाहर से वीडियो देख रहा है तो इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं ये भी ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।